गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग गुणनखंड प्रमेय को पढ़ेंगे, है ना। गुणनखंड प्रमेय इसके पहले मैंने आप लोग को शेषफल प्रमेय बताया था। शेषफल प्रमेय में क्या था कि जब हम किसी भाज्य एफ एक्स को एक्स माइनस ए से भाग देते हैं तो हमको शेषफल क्या प्राप्त होता है, एफ ए, है ना। अब हम पढ़ेंगे गुणनखंड प्रमेय पढ़ेंगे। इसमें क्या है, यदि किसी बहुपद एफ एक्स को हम एक्स माइनस ए से भाग देते हैं, है ना, भाग दिया जाए और शेषफल अगर शून्य हो, है ना, शेषफल एफ ए अगर हमको शून्य मिलता है, शेषफल शून्य अर्थात एफ ए बराबर जीरो को, तो एक्स माइनस ए जो था जिसे हम भाग दे रहे भाजक, वो क्या था, एफ एक्स का क्या होता है, गुणनखंड होता है। ये अपना क्या है, गुणनखंड प्रमेय है। अब इसको अपन सिद्ध करेंगे, है ना, कि ऐसा करने से कि अगर जब किसी बहुपद एफ एक्स को एक्स माइनस ए से भाग दे रहे हैं तो यदि शेषफल हमारा जीरो आ रहा है तो एक्स माइनस ए क्या होगा, एफ एक्स का ही गुणनखंड होता है, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो अब उत्पत्ति में देख लेते हैं हम। अब चूंकि आप लोग जानते ही हैं संबंध, आप जानते ही हैं भाजक भाज्य भाजक भागफल शेषफल में क्या संबंध है, कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल है शेषफल, ठीक है। तो इसको हमने भाज्य भाज्य क्या हमारा एफ एक्स है, भाजक एक्स माइनस है, एफ एक्स, है ना, एक्स माइनस से भाग दे रहे तो ये भाजक हो गया। भागफल में जो आता है वो क्यू एक्स होता है और धन शेषफल क्या होता है, आर एक्स, आर रिमाइंडर, है ना, जिसमें पहले वीडियो में आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो अब शेषफल करने से हमने बताई, जैसे हम शेषफल करने क्या होता है, जो आर एक्स होता है ना, शेषफल क्या मिलता है हमको, आर क्या मिलता है हमको, एफ ए, एफ ए, आप उसको पढ़ोगे तो देखोगे, है ना, एफ ए मिलता। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, इसमें आर आर की जगह क्या लिख दिया हमने, एफ ए, देख लीजिए, एफ एक्स बराबर एक्स माइनस ए गुणा एक्स एक्स धन इस आर एक्स, रिमाइंडर की जगह शेषफल की जगह हमने क्या लिखा, एफ, ठीक है। अब चूंकि बोल रहे हैं कि यहाँ पे अगर शेषफल शून्य हो, अगर हम शेषफल को, इस शेषफल को हम अगर शून्य रख देते हैं, एफ ए बराबर जीरो रख देते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ रखा एफ एक्स एक्स माइनस ए गुणा क्यू एक्स धन एफ ए की जगह क्या लिख दिया हमने, जीरो, जीरो रखा तो हमको क्या मिल रहा है, एफ एक्स बराबर एक्स माइनस ए गुणा क्यू एक्स, ये जीरो हो गया, जीरो में इसको जोड़ेंगे तो ये मिलेगा। तो यहाँ से हमारे ये सिद्ध हो रहा है कि जो एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए क्या हो गया हमारे एफ एक्स का क्या हो गया, ये गुणनखंड, और यही हमारा गुणनखंड प्रमेय का कथन था कि यदि किसी बहुपद एफ एक्स को एक्स माइनस ए से हम भाग दे रहे हैं तो हमको अगर शेषफल जीरो मिलता है तो जो एक्स माइनस ए है, एक्स माइनस ए क्या होगा, एफ एक्स का एक्स माइनस ए, एफ एक्स क्या है हमारा, एक गुणनखंड, यही आपका गुणनखंड प्रमेय